दरअसल बीकानेर से अहम जानकारी है, बीडी कल्ला जो है वो कल अपना नामांकन दर्ज करेंगे बीकानेर पश्चिम से। दरअसल उनका टिकट कट गया है। शहर कांग्रेस कार्यालय पर अब समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक पर्चा तो कांग्रेस से भरेंगे, एक निर्दलीय नामांकन भी दाखिल करेंगे। ये बेहद खास है देखने वाला। कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने घोषणा यहाँ पर कर दी है। हालांकि बीडी कल्ला बीकानेर में नहीं है। मेरे सहयोगी से जब मैंने बात की थी लक्ष्मण रागत से, तो उन्होंने बताया था कि वो जो प्रत्याशी उतारा है उन्हीं के साथ फिलहाल अभी है, यशवंत गहलोत के साथ, और वो साथ में शायद बीकानेर आने वाले, लेकिन कब तक आएंगे जानकारी नहीं है। लेकिन उससे पहले ये घोषणा हो गई है, तस्वीरें जब सामने आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता है और कितनी संख्या में जो बीडी कल्ला के समर्थक है, इस बात से नाराज है कि उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब जो समर्थकों का हुजूम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए जरा तस्वीरें बीकानेर से हैं, यहाँ पर बीकानेर शहर से तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, जहां बीडी कल्ला कल नामांकन दर्ज करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके समर्थक गुस्से में, क्योंकि टिकट उनका काट दिया गया, लेकिन चुनाव तो वो लड़कर रहेंगे। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले देखा था तो संख्या बहुत ज्यादा थी, समर्थकों की गुस्सा देखने को मिल रहा था। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, हमें जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें अभी क्या कुछ कहती नजर आ रही है, कितना गुस्सा देखने को मिल रहा है? देखिए, लगातार वहां पर जो है प्रदर्शन जारी है, और वहां पर अभी ब्राह्मण समाज के लोग जुटना शुरू और हो गए हैं। एक अलग बैठक वहां पर ब्राह्मण समाज की होने वाली है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बीडी कल्ला कैंप के दो लोग मौजूद हैं, जन्मेजय व्यास जी हैं और आनंद जी हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे, क्योंकि निकल कर खबर ये आ रही है कि वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जन्मेजय से बात करता हूँ, क्या सब आक्रोश का कारण क्यों है? सर, आपके न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया पर हमने कल 8:30 बजे देखा था कि बीकानेर राजनीति के कद्दावर नेता, जो राजस्थान राजनीति में बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, कांग्रेस की राजनीति में उन्होंने निरंतर 50 साल तक सक्रिय रूप से कार्य किए हैं। जैसे ये न्यूज आई कि उनका टिकट कट सकता है, तो कल्ला जी के घर के आगे इतना जन आक्रोश फैल गया था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। और मैं खुद मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैं आज पूरी रात सोया नहीं हूँ, और इस चीज का मैं अशोक जी के माध्यम से, सचिन जी के माध्यम से, अहमद पटेल माध्यम से मैं ये राहुल गांधी को पहुंचाना चाहता हूँ कि कल्ला जी का अगर टिकट कटता है तो नहीं केवल बीकानेर संभाग में, अभी तो फलोदी, जोधपुर या अन्य जहां पर भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, उस पर कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। तो क्या ये कल्ला जी ने कह दिया है, जो अभी उनके समर्थकों ने, कि वो नामांकन तो दाखिल करेंगे, एक कांग्रेस का के तौर पर और एक निर्दलीय के तौर पर, ये फाइनल हो गया? हाँ, हमने इन सब पर, इनके कल्ला जी के भाई जनार्दन जी पर, उनके बच्चों पर, ये सारी जनता ने प्रेशर बनाया है कि अगर पार्टी टिकट देती है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके कांग्रेस से देती है, तो हम उनके साथ सहर्ष जुड़े हुए हैं, वरना निश्चित रूप से कल हम पार्टी की तरफ से और एक निर्दलीय के रूप से पर्चा भरेंगे और राहुल गांधी से हर तरीके से दबाव डालेंगे कि ब्राह्मण है नेता। पूनम, ये बात मैंने कही थी कि बीडी कल्ला जो है नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन वो बात मैंने साथ में जोड़ी थी, उनकी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पुनर्विचार करे, और यही बात यहाँ पर उनके लोग कह रहे हैं। हमारे साथ एक और सेक्शन से हम पूछ लेते हैं, क्या साहब इस तरह का विरोध, क्या पार्टी को नुकसान, उनको खुद को नुकसान नहीं होगा? देखो सर, कल आपके टीवी चैनल के माध्यम से जब ही, जैसे ही हमें खबर मिली, एक बार हमें यह लगा, क्योंकि हम ईमान के चल रहे थे बीडी कल्ला जी एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस को टिकट मिलेगा, लेकिन जैसे ही पता चला, हमारे सारे समर्थकों में, हजारों के समर्थकों में मायूसी छा गई, और उसके बाद हम कल्ला जी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए और हजारों की संख्या में हमने उन पर दबाव बनाया कि आप जो है, यदि पार्टी में टिकट देती है तो निश्चित रूप से आप पार्टी के तरफ लड़े, अदरवाइज निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार माहौल जो है वो कल्ला जी के फेवर में बना हुआ है। लेकिन कहते हैं यशपाल गहलोत तो कल्ला कैंप के ही है, तो फिर अब ये उनके उनका उनके कैंप से आते हैं, ये कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, यशपाल जी कल्ला, क्योंकि कल्ला जी ने हमेशा कांग्रेस की सेवा की है और हमेशा हर वर्ग को उठाया है, तो यशपाल जी भी निश्चित रूप से इसी वर्ग से आते हैं, लेकिन वर्तमान में जो कि ये पुष्कणा बाहुल्य क्षेत्र है और ब्राह्मण वर्ग का क्षेत्र है, और वो कल्ला जी जो है 36 गांव को साथ में लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से यदि कल्ला जी को टिकट मिलती तो इस बार हर बार जीत निश्चित रूप से। एक बार ऐसा हुआ था कि कल्ला जी को निष्कासित कर दिया गया था, फिर वापस लिया गया और टिकट मिली थी, तो क्या ऐसी उम्मीद आप लोगों को अभी भी लग रही है क्या कोई? बिल्कुल, ये संभावना इस बार भी हमारी बन रही है कि एक बार कल्ला जी से ऐसे ही संघर्ष करके वापस उन्हें आए थे और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। हम इस बार भी मान रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि हजारों की संख्या में अभी भी समर्थक उनके सड़कों पर है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भीड़ लगी हुई है, और यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि और पार्टी का ये ध्येय होना चाहिए कि वो लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बिल्कुल लड़ेंगे,
देखिए पूनम, जो महत्वपूर्ण बात है लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बीडी कल्ला 5 बार विधायक रहे हैं, बीकानेर से 2 बार लगातार हारे हैं, और अभी वहाँ थोड़ी देर बाद ब्राह्मण समाज की एक बैठक हो रही है जिसमें लगभग तय हो जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन घोषणा वहाँ पर यह की गई है कि बीडी कल्ला कल नामांकन दाखिल करेंगे एक कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, हालांकि सिंबल उनके पास नहीं होगा, दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी जो है ये बनाई जा रही है, माफी चाहूंगा, स्ट्रेटेजी ये है कि कैसे भी पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए और पुनर्विचार की बात सामने लाई जाए। लेकिन जहां तक मेरा मत है, चूंकि 24 टिकट ऐसे काटे गए हैं, लगता नहीं है कांग्रेस आलाकमान इस पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीडी कल्ला बड़े नेता थे, समर्थकों में जैसा कि कहा कि जब फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक खबर थी, उन्होंने भरोसा ही नहीं हुआ पहले तो, ये सही है क्या? लेकिन ये बात सही है और सही निकली थी, और इसी वजह से अब जो है मुझे लगता है उम्मीद पे दुनिया गायब होती है, और जब इस तरीके की खबरें होती है जिसे हम सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो फिर उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, जो भी संभव होगा आलाकमान उस पर फैसला करेगा और बीडी कल्ला से चर्चा भी करेगा, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर